हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है बीएड के लिए कि बीएड जो है प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये पूरा क्या मामला है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पूरी पीडीएफ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी है उसके रिगार्डिंग ये पूरी पीडीएफ है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ओरिजिनल पीडीएफ है जो कि 11 अगस्त को उन्होंने इशू किया था। 11 अगस्त को आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया जो कि बीएड धारकों के लिए, बीएड जो भी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या जो बीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या समथिंग जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, उन्हें ये नोटिफिकेशन, ये जो जजमेंट दी गई है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरी जजमेंट, ऑब्वियसली बात है, ये 46 पेजेस की जजमेंट है, इसे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि इस पूरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, क्या पूरा मामला है और ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई है। तो सब कुछ समझने से पहले आपको इसका बेस समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NCTE के बारे में। NCTE देखो, NCTE मेरे ख्याल से सबको पता होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये हमारे देश की अपेक्स बॉडी है जो कि टीचिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को बनाती है, जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज है उन्हें रेगुलेट करती है, जो भी इनसे रिलेटेड कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, उन्हें एफिलिएट, उन्हें मान्यता प्राप्त करती है, सब कुछ कर, मतलब जो भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज है उन्हें पूरी तरह से रेगुलेट करने का काम कौन करती है? NCTE करती है। तो यहाँ पे NCTE ने क्या किया था, 2018 में एक डिसीजन लिया था 2018 में कि जो बीएड जिन्होंने कर रखा है, बैचलर इन एजुकेशन, यानी जो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड कर रखा है, चाहे वो 2 ईयर का हो या उससे पहले, आपको पता होगा 2015 से पहले बीएड 1 ईयर का होता था, चाहे आपने 1 ईयर बीएड कर रखा हो या 2 ईयर बीएड कर रखा हो, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन के बाद अपनी बीएड कर रखी है वो प्राइमरी टीचर यानी फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होंगे, 2018 में ऐसा NCTE ने बोला था। अब साथ ही साथ NCTE ने यह भी बोला था कि जो भी बीएड धारक है, यानी जिन्होंने भी बीएड कर रखा है, बीएड डिग्री होल्डर जो है, वो प्राइमरी टीचर बनने के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब वो अपना बीएड का एग्जाम क्लियर करने के बाद और जॉब में लगने के बाद, प्राइमरी एज अ प्राइमरी टीचर लगने के बाद 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर ले। तो उन्हें क्या बोला गया, NCTE ने क्या बोला कि आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, देन आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इस चीज़ को लेकर के जो बाकी जो कोर्सेज, जैसे बीएलएड हो गया या डीएलएड हो गया या जेबीटी या बीटीसी, इस टाइप के जो कोर्सेज करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों? जाहिर सी बात है, एक तरह से बीएड को तो यहाँ फ़ायदा मिल गया। बीएड जो है, जो अपर क्लास होती है जैसे 6th to 10th या 10th to 12th, इनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए और प्राइमरी को भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। वही दूसरी तरफ जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज है, चाहे बीटीसी हो या जेबीटी हो, बीएलएड हो या डीएलएड हो, इस टाइप के जो कोर्सेज है वो सिर्फ प्राइमरी या अपर प्राइमरी 1st to 8th पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पा रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस चीज़ को रोका जाए और बीएड वालों को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाए, जो अपर प्राइमरी है उन्हीं के लिए एलिजिबल रखा जाए और जो डिप्लोमा कर रखा है जिन्होंने, जैसे बीएलएड कर रखा है, ठीक है, या जेबीटी कर रखा है, आप डीएलएड कर रखा है, ठीक है, या बीटीसी कर रखा है, इस टाइप के जो कोर्सेज कर रखे हैं उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल रखा जाए। तो इस चीज़ को लेकर के कहाँ लेके गए, इन सब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 11 अगस्त 2023 को अपनी वर्डिक्ट में कहा कि जो ये डिसीजन लिया गया था NCTE के द्वारा, ये एक तरह से यूजलेस था, मतलब उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअल में इस वर्डिक्ट में प्रॉपर यही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो NCTE ने 2018 में डिसीजन लिया था वो बिल्कुल यूजलेस था, बिल्कुल वहाँ पे माइंड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि बीएड के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो अपर क्लासेस को पढ़ाने के लिए जो चीज़ें वो काम आती है, जबकि जो डीएलएड है या जो बीएलएड है या जेबीटी या बीटीसी, इसमें जो पैडागॉजी होती है, जो चीज़ें सिखाई जाती है कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, वो इस तरीके से होता है कि वो प्राइमरी बच्चों को हैंडल कर सके, प्राइमरी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ख़त्म करते हुए साफ साफ बोला कि आज से जो भी बीएड वाले जो है वो प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, प्राइमरी टीचर बनने के लिए, यानी PRT प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, ये अपना 6th to 8th या 8th to 10th या 10th to 12th, इनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे लेकिन प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वही जिन्होंने बीएलएड कर रखा है या जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जिन्होंने बीटीसी कर रखा है या जिन्होंने जेबीटी कर रखा है, या इस टाइप के जो कोर्सेज कर रखे, जो आफ्टर 12th किए जाते हैं, जो आफ्टर 12th कर रखे, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में भी आपको पता होगा फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं इस टाइप के। तो जिन्होंने आफ्टर 12th अपना डिप्लोमा
या इस टाइप के कोर्सेज कर रखे, सिर्फ वही प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी नोटिफिकेशन में, अपनी जो वर्डिक है उसमें ये सारा डिसीजन बताया है। इसमें इस नोटिफिकेशन में आप पूरी तरह से पढ़ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी है। बाकी आपको ये पूरी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जरूर हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है लेकिन पीडीएफ वहाँ पे पहले अपलोड कर दी जाती है, ताकि बच्चे जो है करंट जो भी इवेंट है, करंट जो भी सिनारियो, उससे अवेयर हो सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि ये सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी आई होप आपको सारा जो भी मामला है वो समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या डिसीजन सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैंने आपको बता ही दिया कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्राइमरी के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड यानी जो डिप्लोमा होल्डर है, जिन्होंने भी टीचिंग की फील्ड में डिप्लोमा कर रखा है, आफ्टर 12th जो डिप्लोमा होते हैं, वही सिर्फ एलिजिबल होंगे, बाकी एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।